हेलो नमस्ते, कैसे आप लोग। मेरा नाम है सौरभ राय और आप देख रहे हैं मेरे ब्लॉग्स। आज की तारीख है 3 जुलाई 2022। सुबह के हो रहे हैं 10:45 और संडे का दिन है आज। और हम लोग की फैमिली का और बाहरी फैमिली जो हम लोग के दोस्त हैं, उन लोग का प्लान है जाने का फ्रियो। तो फ्री मेंटल मैंने ऑलरेडी अपने वीडियोज में कैप्चर किया है, तो मैं बहुत डिटेल में फ्री मेंटल के बारे में तो कैप्चर नहीं करूंगा। बट अगर मुझे कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग चीज दिखती है या फिर कुछ नई चीज दिखती है तो मैं इस वीडियो में वो सब चीजें कैप्चर करूंगा। तो चलिए आज की वीडियो चालू करते हैं। और ये मेरी बाइक, अब इसमें थोड़ा सर्विसिंग का काम बाकी है। तो 2 महीने में अक्टूबर में एक चैलेंज होता है, ग्रेट साइकिल चैलेंज जिसको बोलते हैं, तो चैरिटी रन है। तो उसमें मैं पिछले 2 साल से पार्ट ले रहा हूँ, तो इस साल भी मैं पार्ट लूंगा। और उसके लिए प्रेप करने के लिए अभी मैं थोड़ा एक्सरसाइज करना चालू किया हूँ, तो होपली 2 महीने में थोड़ा इन शेप आ जाएंगे। और मेरे ख्याल में चैलेंज जो था वो सेम रखने वाला हूँ, 250 किलोमीटर साइकिल रन। सो फिंगर्स क्रॉस, होपली सक्सेसफुल हो। लेट्स गो, लेट्स सिट इन द कार। ओके, वेयर शूज फर्स्ट। अभी हम लोग आए हैं सिट के घर में और ये डाल रहा है, व्हाट आर यू डूइंग सिट, वाटरिंग द प्लांट्स, गिविंग इट सम फूड। और यहाँ से हम लोग निकलेंगे फ्रीमेंटल, तो अराउंड 40 मिनट की दूरी पे है, 40 किलोमीटर्स, 40 मिनट्स राउंड अबाउट। तो यहाँ पे अभी हम लोग आए हैं, गाड़ी लगा दी है पार्किंग में और यहाँ पे 4 मस्टैंग खड़ी हुई है, तो मे बी कोई कैचअप हो रहा होगा। और आगे एक बहुत ही आई थिंक क्लासिक टाइप की कोई गाड़ी है, आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली क्या मॉडल है, क्या मेक है, बट ये लुक्स क्वाइट फैंसी, 1928 एसएक्स। और अभी पार्किंग थोड़ी दूर मिली, अभी हम लोग जा रहे हैं मरीन टाइम म्यूजियम के डायरेक्शन में, वहाँ पे देखते हैं कुछ खाने पीने का कुछ होगा या फिर देखते हैं बच्चे वहाँ पे टाइम पास करेंगे। यहाँ पे एक शिप आ रही है और ये है यहाँ पे पोर्ट, मैं पहले भी लेता और काफ़ी सारी शिप्स लग रही है मुझे आज। सामने वाली काफ़ी इंटरेस्टिंग है, केजेस बने हुए हैं, मालूम नहीं क्या ट्रांसपोर्ट करते हैं उसमें। और ये वन ऑन द वे इन, संभाल के इसको टो करके लाया जा रहा है। और यहाँ पे लाइव म्यूजिक चल रहा है, आगे रेस्टोरेंट जो है। और ये जो शिप में लोग खड़े हुए हैं वो वेव कर रहे हैं, मालूम नहीं वीडियो में दिख रहे होंगे कि नहीं दिख रहे होंगे। म्यूजियम में यहाँ पे बच्चे कर रहे हैं पेंटिंग, अ बिट ऑफ एक्टिविटी। तो आज की एक्टिविटी है क्राफ्ट, आर्ट्स एंड क्राफ्ट। तो साश, आई थॉट यू वर सपोज्ड टू डू इट, हाउ कम मम्मी इज डूइंग इट, बिकॉज़ ही सेड ही कांट डू द सीजर्स। लोग बना रहे हैं ये वाली काइट, तो इस पे क्या बोलते हैं धागा लगा के उसकी टेल, तो ये लोग यहाँ पे अभी बना रहे हैं। तो लग रहा है लोग की काइट हो गई है, बन गई है। Just making some sash. Are you done with your kite? Sash, can you leave it for a minute? ओके, तो यहाँ पे म्यूजियम का तो मैं वापस कैप्चर नहीं करूँगा क्योंकि ऑलरेडी कैप्चर कर चुके हैं पहले। तो अभी हम लोग का प्लान है जाएंगे बाहर जाके कुछ खाना पीना खाते हैं, 1 बज रहे हैं और बाहर का मौसम बहुत अच्छा है, धूप निकली भी है और कुछ हाँ खाते पीते। यहाँ पे म्यूजियम में ये सब ऐसा आर्टिफैक्ट टाइप का रखा हुआ है, बट इनमें से काफ़ी चीज़ें हैं जो अभी भी यूज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल ये जो टाइप का कैन ओपनर है वो अभी भी हम लोग के घर में है बॉम्बे में। और हाँ, ये लिप्टन टी बैग और पैनाडॉल, कोई तो क्रीम है, यूवी क्रीम। हाँ, तो अभी हम लोग का पूरा ग्रुप छितर बितर गया, मैं यहाँ पे हाइपर लैप्स ले रहा था, तो जाते हैं ढूंढते हैं वो लोग है कहाँ, उसके बाद डिस्कस जाएंगे बाहर। ओके, तो प्लान तो था कि ये वाले रेस्टोरेंट में जाएंगे बट यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ है, तो आई थिंक कुछ और प्लान करना पड़ेगा। देखते हैं कहीं, यहाँ पे बहुत सारे ईटरीज हैं
तो ये पर्टिकुलर वाला काफ़ी भीड़ है, काफ़ी लंबी क्यू है, तो मे भी यहाँ ना जाके कहीं और जाएंगे। हम यहाँ पे, हम लोग पिछली बार आए थे और कुछ खाना खास नहीं लगा था, तो अभी सिट गया अंदर ऑर्डर करने को। मैंने ये बेंच ले लिया है, अभी सोनी और साश और पृथ्वी और बच्चे आएंगे तो उन लोगों को बैठने के लिए एक जगह, तो आई एम सिटिंग हियर व्हाइल ही इज गेटिंग सम फूड। स्पोर्ट्स और वाटर एक्टिविटीज़ भी कर रहे हैं लोग यहाँ पे, एक क्या बोलते हैं उसको, वाटर स्कूटर, जेट स्की, और ये अपनी और साश और बच्चे यहाँ पे आ गए हैं, साश और क्रिश, एंड या हैविंग अ नाइस टाइम। हमने टेबल की लोकेशन चेंज कर दी है, बड़ा टेबल लिया है, तो हम लोग ट्राई कर रहे हैं व्हाट इज कॉल्ड टेस्टर एवरीवन। ओके, तो यहाँ पे अभी हम लोग खाने का 45 मिनट्स वेट है, तो हम लोग खाना नहीं खाएंगे, खाना कहीं और खाएंगे। बच्चों के लिए ऑर्डर कर लिया है टाकोस। तो अभी हम लोग निकल गए बाहर ये रेस्टोरेंट से, वहाँ पे लंच तो नहीं किया, अभी हम लोग का प्लान है जाने का फ्रीमेंटल मार्केट, वहाँ पे एक बर्गर जॉइंट है जिसका नाम है एक्सपोर्ट, और वहाँ पे जाके हम लोग खाएंगे खाना। तो फ्री मेंटल मार्केट में साइश ले रहा है टिकट, जाएंगे अभी गाड़ी में लगाते हैं, उसके बाद जाते हैं अंदर फ्री मेंटल मार्केट। और पीछे जगह जहाँ पे हम लोग ने पार्क किया था वहाँ पे आई डोंट नो, टिकट में भी अच्छे से डिस्प्लेड नहीं होगा या क्या होगा, एक इन्फ्रिंजमेंट नोटिस गाड़ी पे लगा हुआ था, तो $65 का फाइन, तो ऑब्वियसली मैं उसको डायरेक्टली अभी पे नहीं करूँगा, उसको फाइट करेंगे, देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है उन लोग का, अगर उन लोग के पास कोई एविडेंस है कि हम लोग ने टिकट नहीं प्रेजेंट किया था तो पे करना पड़ेगा। तो अभी हम लोग आ गए हैं फ्री मार्केट मार्केट के बिल्कुल सामने, तो यहाँ पे वेट करते हैं भारी फैमिली के आने का, उसके बाद आएंगे अंदर। और बाद अभी ये मैंने मार्केट पूरा बहुत डिटेल में कैप्चर किया है और उसका मैं लिंक डाल दूंगा ऊपर, अगर आप लोग को इंटरेस्टेड है तो। यहाँ पे चाय मिल रही है, चाय ब्लैक विद मसाला $13.50, और एक और है ग्रीन विद स्पाइसी मसाला, छोटा सा पैकेट है $9.50 का। और ये लोग यहाँ पे पियानो बजाने का ट्राई करते हुए, ये यहाँ पे बहुत फेमस दुकान है एक्सपोर्ट, यहाँ पे हम लोग ने ऑर्डर किया है बर्गर, एंड जस्ट वेटिंग ऑन द ऑर्डर टू कम थ्रू। सिट वहाँ पे बैठा है टेबल लेके, और जो लेडीज़ हैं वो अभी भी शॉपिंग कर रही हैं। इन लोग की बनाने की असेंबली लुक्स क्वाइट नाइस एंड ऑर्गेनाइज्ड। ये इसलिए इतना ज़्यादा मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये बहुत फेमस बर्गर स्पॉट है पर्थ का, वन ऑफ द टॉप बर्गर्स यहाँ पर मिलते हैं। तो बर्गर आ गए, सोनी खा रही है हाफ हाफ, हम लोग शेयर कर रहे हैं, चीज़ बर्गर चिकन बर्गर। सोनी और बाकी लोग कर रहे हैं यहाँ पे थोड़ी बहुत शॉपिंग फ्रूट्स की, और थोड़ा बहुत करने को सब जाएंगे वापस घर। ओके, तो फिर चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, अगर वीडियो पसंद आया तो कर दीजिए लाइक, बहुत पसंद आया कर दीजिए शेयर एंड सब्सक्राइब। अभी हमारे घर में और थोड़े और मेहमान आए हैं, उनके साथ थोड़ा टाइम बिताते हैं, उसके बाद दैट्स इट, डन फॉर द डे, तो मुलाकात होती है अगले वीडियो में, बाय।